गाइस मेरा नाम है नवीन एंड गाइस आप देख पा रहे ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। और गाइस आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि थर्ड सर्विस में मुझे कितना खर्चा पड़ा और क्या क्या इसमें चेंजेस हुए और सर्विस से पहले इसमें क्या दिक्कतें मुझे देखने को मिली थी और क्या मुझे इसमें ऐसा लगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है या फिर सर्विस के बाद कुछ अंतर इसमें रिफाइननेस या कुछ चेंज हुआ है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गैस बने रहिए इस वीडियो पे, अगर आपकी वीडियो चले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गैस आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन आपको बताने वाला हूँ कि इसमें सर्विस में कितना खर्चा बैठा। थर्ड सर्विस थी, 1 ईयर इसको कम्प्लीट हो चुका है, 8 तारीख जनवरी को मैंने ली थी 2022 में और अब 2023 कम्प्लीट हो चुकी है। मैं एक महीने बाद वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, फरवरी में। तो गैस अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितना खर्चा बैठा और इसमें क्या क्या सर्विस से पहले क्या मुझे दिक्कतें देखने को मिल रही थी और उन्होंने क्या चेंजेस किया है। तो गैस जब मैं सर्विस सेंटर पर गया था तो उन्होंने सबसे पहले तो इसको रेड किया, चेक किया और इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद रेड किया, रेड पे उन्होंने देखा कि ये जो सॉकर थे ना, ये वाले सॉकर जो है थोड़े से लूज, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ भाई थोड़ा सा अंतर है इन्होंने, तो इनको टाइट उन्होंने कर दिया। टाइट के बाद थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि हाँ मतलब जो गड्ढे होते हैं उन्होंने, मुझे फील हो रहा था कि थोड़ा टाइट है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये ऑटोमेटिक लूज हो जाता है धीरे धीरे करके एक समय के बाद। तो क्या जब मैं सर्विस सेंटर पर जब मैं गया था उससे पहले जो दिक्कतें मुझे इसमें देखने को मिली थी, पहले मैं आपको वो भी यहाँ पे बता देता हूँ कि जो फर्स्ट जो दिक्कत थी वो इंजन में थी, सेकंड अपना ABS और थर्ड कोई है ही नहीं है साहब, वो तो नॉर्मल होता है जैसे अपनी चेन होगी, ब्रेक होगी वगैरह वगैरह, ये तो नॉर्मल होता ही है। तो गाइस इंजन और ABS की बात करेंगे अभी हम, क्योंकि ज़्यादातर मैंने आपको जब भी वीडियो बना के यहाँ पर दी है यूट्यूब चैनल पर अपने पर, तो आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर ABS के बारे में ही बात करता हूँ। तो ABS यहाँ पे थोड़ा बहुत रिफाइन हुआ है, मतलब रिफाइन कहने की बात ऐसी है कि मतलब थोड़ा ठीक कर दिया उन्होंने, और इंजन में जो साउंड आ रही थी वो भी अभी यहाँ पे मुझे ठीक होने को दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या किया था थर्ड सर्विस के अंदर और इसमें जो दिक्कत थी वो क्या थी। गाइस जो इंजन है मेरा, इंजन में क्या था कि साउंड आ रही थी और साउंड ऐसी आ रही थी मतलब कि जैसे इंजन मतलब कोई नट है उसको हम लूज कर देते ना, उसमें से आवाज़ आ रही कर कर करके, कुछ इस प्रकार की आवाज़ आ रही थी इसमें से। तो गाइस मैंने उनको बताया कि इंजन में से थोड़ी साउंड है और उसको थोड़ा मतलब ठीक करेंगे, और उसके बाद में मैंने उनको अपना ABS का भी बता दिया। ABS का उन्होंने थोड़ा बहुत चेक किया और उसके बाद इसमें जो एक ऑक्सीजन होती है मतलब बैलून बन जाते हैं उनको निकाल दिया। और अपना जो ये इंजन है इन्होंने क्या किया था, जब सर्विस कर रहे थे ये जो कैप है ना ये ओपन की, ओपन करने के बाद उस साइड से दूसरी साइड से इन्होंने एक चैन होती है वो उसको टाइट किया था, मतलब ये जो नट है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये जो नट है ना यहाँ पे इसमें वो चाबी डाल के टाइट किया और यहाँ से ये खोल के ऊपर से इसमें एक वो रहती है मतलब एक मतलब एक और से चैन रहती है, वो चैन गोल टाइप में आती है, उसको टाइट किया था थोड़ा सा। तो ये जो इंजन है जब सर्विस के बाद जब मैंने चलाया, जब मैंने गाड़ी को यूज किया, बाइक को मतलब यूज किया थोड़ा बहुत, तो मुझे थोड़ा महसूस हो रहा था कि बाइक जो है दबी दबी चल रही है, मतलब दबी दबी का मतलब ये होता है कि कुछ वजन महसूस हो रहा है या फिर कुछ टाइटनेस महसूस हो रही है चलने में। पर चैन मैंने देखी, चैन नॉर्मल थी, चैन में कोई दिक्कत नहीं, पर जो टाइटनेस महसूस हो रही थी, मैंने जब रॉयल एनफील्ड वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि हमने इंजन का जो चैन होती है कुछ उन्होंने नाम बताया वो टाइट किया है, तो उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है 7 से 8 दिन का, तो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है। तो मैंने इसका इंतजार भी किया तो ये हो गया, आवाज़ है रिफाइन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ भी सही आ रही है, जैसी न्यू बाइक ली थी वैसी आवाज़ है। और जो ABS है उसको मैंने आपको बता ही दिया है, उसके अंदर थोड़ा बहुत बैलून था उन्होंने निकाल दिया। अब ABS जो है वर्क कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो ज़्यादातर इसी बात के लिए मतलब रेडी हैं कि भाई कब वीडियो आएगी ABS के बारे में, कब कैसे ठीक होगा ये। तो वैसे ठीक होने का एक ही तरीका है, जब आपके पास ऐसा हो जाए, मान लो आप बाइक चला रहे हो, फुल स्पीड में चल रही है बाइक और अचानक से ब्रेक मारते हो, इसमें आपको करना क्या है, ब्रेक को कई बार पुश करना है, मतलब एक और से प्रेशराइज करना है। जैसे हम ब्रेक मारते हैं तो एक तो होता है कि हमने ऐसे ऐसे ये लीवर लिया और दबा दिया टायर से, ऐसे नहीं करना हमको, हमको बार बार छोड़ना और दबाना है, जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी। तो इसकी जो ये है ना, ये ऑक्सीजन जो पाइप होती है इसके यहाँ पे जो ये रहता है ऑयल होता है, उसमें प्रेशर जाएगा जल्दी जल्दी, तो ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। इसके अंदर जो ये है अपना ABS का जो पॉइंट होता है नीचे है, ये यहाँ पे आपको एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, मुझे दिख रहा है पर इसको नहीं दिख पा रहा है,
ये देखो ये रहा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये एक साथ नहीं दबता है, इसको है ना प्रेशराइज करना पड़ता है जब ये एक्टिव होता है। वैसे ज़्यादातर अपनी जो और दूसरी रॉयल एनफील्ड है उसमें पीछे भी आपको जो डिस्क ब्रेक मिल रही है जो क्लासिक वाली है उनमें वर्क करता हुआ दिखेगा, पर इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत देता है ये रेड में। और गाइस अगर आपको ये वीडियो चलेगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सर्विस जो रेट थी, जो प्राइस थी वो क्या थी। गाइस उन्होंने मुझे बिल दिया था कुछ 1800 रुपये का, तो उसके बाद में 1800 रुपये का बिल दिया, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पर उन्होंने एक मेरे साथ फ्रॉड किया कि 1800 रुपये मैंने उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है भैया कर दो। अब गाइस देखो आप भी जाओगे सर्विस करवाने तो मिस्त्री आपसे बोलेगा भैया 2000 रुपये जाएंगे, तो आप कहोगे ठीक है कर दो, यही तो होगा। पहले आप पूछोगे भी चलो क्या क्या डाला है, पर उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं कि भैया ये डालेंगे वो डालेंगे, तो उन्होंने 1800 रुपये कुछ का बिल बना दिया। मैं ठीक है सर्विस हो गई कंप्लीट, मैं रेडी, बाइक निकाली, बिल हाथ में लिया, बिल देखा तो उसमें क्या था, ऑयल लुब्रिकेटर। मतलब ऑयल लुब्रिकेटर क्या होता है, जो चैन के अंदर डलता है, जैसे ये चैन है ना, चैन के अंदर ऑयल लुब्रिकेटर डलता है। अभी आप देख पा रहे हैं अभी इसमें है नहीं, पहले था और सूख गया है, तो मैंने यूज किया तो इसलिए सूख जाता है, वो सूख के ऐसा हो जाता है। देखो ऐसा कैसा होता है, ये देखो यहाँ पे, मतलब एक ओर से ग्रिच होती है, ग्रिच उसके जैसा यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सूख जलने के बाद, सूखने के बाद जैसे बाइक चलती है ना, तो उसका ये जो इंजन है हीट होता है यहाँ से, तो हीट होने के बाद ये जो ऑयल है यहाँ से जैसे घूम के जाता है, तो यहाँ पे जो है एक ओर से हार्डनेस में आ जाता है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो गाइस चैन लुब्रिकेटर उन्होंने डाला 189 रुपये के आसपास, मतलब 200 रुपये उन्होंने मुझसे लिए चैन लुब्रिकेटर की। मैंने उनको मना कर दिया था भैया मत डालना, और उन्होंने डाल दिया। तो 1800 रुपये का जो उन्होंने पहले मुझे बिल बताया था ना, वो उन्होंने बना के दे दिया मुझे। तो मैंने जब देखा तो मैंने उनको मना किया, भैया क्यों डाला आपने, आपने मुझे बताया नहीं आपने चैन लुब्रिकेटर डाला। तो मैंने उनको समझाया, फिर जाके वो माने, फिर 1600 रुपये कुछ का बिल बना था। और मैं बिल की एक इमेज आपको डाल दूंगा क्या क्या मैं चेंजेस हुए थे, क्या उन्होंने डाला था, चैन लुब्रिकेटर कितने का था, एंड जो फिल्टर आए थे इंजन में वो कितने के आए थे, एंड और भी जो आइटम्स थे वो कितने का आया, मोवी ऑयल कितने का आया, जो ऑयल होता है इसका इंजन ऑयल वो कितने का उन्होंने यहाँ पे दिया मुझे। और सर्विस तो फ्री रहती है, अभी तो सर्विस फ्री है, 7-8 सर्विस फ्री रहती है तकरीबन। तो ये तीसरी सर्विस इसकी हो चुकी है, 1 ईयर को कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइस अभी हम अपनी फोर्थ सर्विस की वीडियो आपको देंगे, पर अब की बार गाइस मैं आपको सर्विस की वीडियो नहीं दे पाया, जो कि लाइव सर्विस वीडियो होती, ज़्यादातर मैं आपको सर्विस वीडियो देता रहता हूँ, पर अब की बार नहीं दे पाया क्योंकि मेरी तबीयत जो है थोड़ी डाउन थी, इसलिए मैं नहीं दे पाया। तो गाइस इसक्रीन में आपसे माफ़ी चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको कम्प्लीट सर्विस वीडियो दूंगा कि इसमें सर्विस जो हुई है वो क्या हुई है, कैसे कैसे हुई है। तो गाइस फिलहाल की बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली।